3G Aqua Chemicals Private Limited और 3G Aqua Water Treatment Technology इंदौर के प्रवक्ता श्री शलभ नामदेव, जिन्होंने अपने अनुभव व टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स की गहन रिसर्च के बाद रेडॉक्स टेक्नोलॉजी पर आधारित नेचर फ्रेंडली नेचुरल वाटर कंडीशनिंग और वाटर सॉफ्टनिंग सिस्टम न्यू 3G Aqua को तैयार किया है। रेडॉक्स रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स को एक धातु से दूसरे धातु में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन्स को खो देता है और दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन्स को प्राप्त करता है और इस प्रकार यह प्रक्रिया लगातार होती रहती है। रेडॉक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए न्यू 3G Aqua और 3G Aqua Plus नेचुरल वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम हाई प्योरिटी नोबल और सेमी नोबल मेटल्स बेस्ड अलॉयस पर आधारित है, जो टिपिकल रेडॉक्स रिएक्शन के नियम पर कार्य करता है। यह फ्री क्लोरीन को रिडक्शन प्रोसेस से बिनाइन वाटर सोल्यूबल क्लोराइड में बदल देता है। यह फ्री क्लोरीन को क्लोराइड में बदलने की प्रक्रिया हानिकारक क्लोरीन को समाप्त करती है। रेडॉक्स एक उच्च शुद्ध नोबल और सेमी नोबल मेटल आधारित मिश्र धातु एलॉय है, जो पानी को स्पेशल रेडॉक्स प्रक्रिया से गुजारता है। ये तकनीक एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रतिक्रिया करती है, जो इलेक्ट्रॉन्स को मॉलिक्यूल्स के बीच ट्रांसफर करती है और प्रभावी रूप से सभी तरह के स्केलिंग, रस्टिंग, एल्गी और हानिकारक एलिमेंट जैसे लेड, कॉपर, आर्सेनिक, मर्क्यूरी, क्लोरीन, आयरन, सिलिका, फ्लोराइड, एल्यूमिनियम आदि हैवी सॉल्युबल मेटल्स और कोलिफॉर्म बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया आदि को भी खत्म करती है। आमतौर पर एक रेडॉक्स रिएक्शन में फ्री क्लोरीन को रिडक्शन की प्रोसेस से क्लोराइड में बदला जाता है, जो पानी में आसानी से घुल जाता है। नेचुरल वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जिससे वह सॉल्युबल सल्फाइड फेरस को इनसॉल्युबल फेरिक हाइड्रोक्साइड में बदलता है, जो बैक वॉशिंग से आसानी से निकाला जा सकता है। पानी में अनेक तरह की अशुद्धियां होती हैं और न्यू 3G Aqua अपनी रेडॉक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन अशुद्धियों को खत्म करता है। न्यू 3G Aqua एक एंटी स्केलेंट की तरह काम करता है। खारे पानी में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम आपस में मिलकर नमक की मोटी परत बना लेते हैं और इस परत का सतहों पर जमना स्केलिंग कहलाता है। ये स्केलिंग पानी के बहाव में अवरोध पैदा करके पानी के प्रेशर को कम करता है। न्यू 3G Aqua अपनी रेडॉक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए रोजमर्रा में इस्तेमाल करे जाने वाली चीजें जैसे पानी के नल, टाइल्स, बर्तनों, महंगे शार, जकूजी एवं इंडस्ट्रियल उपकरण जैसे बॉयलर, इंडस्ट्रियल कूलिंग टार और रीसर्कुलेटिंग सिस्टम्स जैसे प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, कंडेंसर्स आदि पर भी नमक की मोटी परत नहीं जमने देता। गीजर की एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है, जिससे बिजली की बचत होती है। न्यू 3G Aqua की एंटी रस्टिंग टेक्नोलॉजी रस्टिंग और कोरोजन को रोकती है। जब पानी में आयरन की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो वह आयरन ऑक्साइड में बदलकर जंग के रूप में जमने लगता है। 3G Aqua अपनी उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करते हुए पानी में आयरन की मात्रा को कम करता है, जिससे वह जंग के रूप में नहीं जम पाती है। पानी के लगातार इस्तेमाल होने वाली जगह पर अक्सर काई लग जाती है, जो हमारे लिए हानिकारक है। न्यू 3G Aqua और 3G Aqua Plus अपनी रेडॉक्स टेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ को कंट्रोल करता है और ई कोलाई और कोलिफॉर्म बैक्टीरिया एवं वायरसेस को डीएक्टिवेट करता है, जिससे काई की ग्रोथ रुक जाती है। न्यू 3G Aqua और 3G Aqua Plus नेचुरल वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम हाई प्योरिटी नोबल और सेमी नोबल मेटल बेस्ड अलॉयस पर आधारित है, जो टिपिकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के नियम पर कार्य करता है। ये 95% फ्री क्लोरीन को डिसॉल्व करके गैस में बदल देता है और इस तरह से फ्री क्लोरीन रिडक्शन प्रोसेस से बेनाइन वाटर सोल्यूबल क्लोराइड में बदल जाता है, जो इस्तेमाल के लिए शुद्ध रहता है। यह प्रक्रिया हानिकारक क्लोरीन को समाप्त करती है। इस पानी को टेस्ट करने पर यह देखा गया कि 2 PPM यानी पार्ट्स पर मिलियन वाले फ्री क्लोरीन को जब न्यू 3G Aqua से शुद्ध किया गया, तब इसी फ्री क्लोरीन की मात्रा 0.10% पर आ गई, जो पानी में फ्री क्लोरीन की मात्रा में 96% गिरावट थी। यह एक आश्चर्यजनक गिरावट है। पानी में मौजूद लेड सेहत के लिए हानिकारक होता है और पुराने पाइप्स में गैल्वनाइजेशन के कारण लेड की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ जाती है। न्यू 3G Aqua की मेटल बेस्ड टेक्नोलॉजी इस लेड की मात्रा को 98% तक कम करती है। 3G Aqua की रेडॉक्स टेक्नोलॉजी पानी में मौजूद सोल्युबल फेरिक आयंस, जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं, उन्हें इनसोल्युबल फेरिक आयंस में बदलने में अत्यंत कारगर।
से जब पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तब बैकवाश से 98% तक आयरन निकाला जा सकता है। माइंस में खुदाई के कारण ग्राउंड वाटर और जमीन में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है, तब वह आर्सेनिक को जन्म देता है। न्यू 3G एक्वा अपनी रेडॉक्स टेक्नोलॉजी से पानी के पीएच लेवल को कंट्रोल करता है और पानी में आर्सेनिक की मात्रा को कम करता है। वैसे तो फ्लोराइड को पानी में दांतों की लंबी उम्र के लिए मिलाया जाता है, परंतु इसकी ज्यादा मात्रा सेहत को नुकसान पहुंचाती है। फ्लोराइड की ज्यादा मात्रा स्किन रैशेस, इनडाइजेशन, मुंह में छालों को जन्म देती है। न्यू 3G एक्वा अपनी मेटल बेस्ड टेक्नोलॉजी से इस फ्लोराइड की मात्रा को 5 ppm से परमिसिबल सेफ लिमिट में ले आती है, जो कि सेहत एवं दांतों के लिए हानिकारक नहीं होती। पानी में मौजूद हानिकारक हैवी मेटल्स जैसे लेड, कॉपर, आर्सेनिक, मर्करी, क्लोरीन, आयरन, सिलिका, फ्लोराइड, एल्यूमिनियम 98% तक 3G एक्वा से संपर्क में आने के बाद तुरंत खुल जाते हैं। इससे 98% पानी साफ हो जाता है। कोलिफॉर्म और इकोलाई बैक्टीरिया कई तरह की पेट की बीमारियों को जन्म देते हैं। न्यू 3G एक्वा और 3G एक्वा प्लस नेचुरल वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम अपनी रेडॉक्स टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी कई तरह की बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया को मार गिराता है। हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पर 1 mm सफेद परत का जमना मतलब 10% अधिक बिजली की खपत। न्यू 3G एक्वा और 3G एक्वा प्लस का इस्तेमाल मतलब 9 परत और बिजली की बचत। सॉफ्ट वाटर मतलब घर की सफाई भी आसान और कपड़े भी आसानी से साफ, क्योंकि साबुन अपना पूरा काम कर पाता है अगर पानी खारा ना हो तो। उद्योग और कृषि के क्षेत्र में भी न्यू 3G एक्वा और 3G एक्वा प्लस बेहद कारगर है। उन्नत नेचुरल वाटर कंडीशनिंग सिस्टम औद्योगिक क्षेत्र में बॉयलर, कूलिंग टावर और दूसरे रीसर्क्यूलेटिंग सिस्टम्स को स्केलिंग एवं रोस्टिंग से बचाता। खारे पानी की सफेद परत कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को कैल्साइट से एर्गनाइट में परिवर्तित करने में सक्षम है, और इसी तकनीक के इस्तेमाल से ये खारे और हार्ड पानी को मीठे और सॉफ्ट पानी में बदल देता है और पानी की परत को जमने नहीं देता है। और बिना किसी चलते पुर्जे, बिना किसी टाइमर, बिना बिजली, बिना रेसिन और बिना किसी रसायन के इस्तेमाल से पानी को शुद्ध करता है, और इसका परिणाम ये है कि ये सालों साल जीरो मेंटेनेंस के साथ काम करता रहता है। भारत में 60% खेती ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर पर निर्भर करती है, और न्यू 3G एक्वा एंड 3G एक्वा प्लस स्प्रिंकलर को चोक होने से रोकता है। न्यू 3G एक्वा से हार्ड वाटर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जो कृषि के क्षेत्र में ईसी अर्थात इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और पीएच लेवल को भी कंट्रोल करता है। ये जड़ों में नमक के जमाव को भी रोकता है और इससे पौधों के विकास में बढ़ोतरी होती है। बिना किसी लागत के उपज को 30-40% तक बढ़ाने का इससे सरल उपाय कोई नहीं है। हार्ड वाटर के कारण मिट्टी कड़क हो जाती है, मिट्टी पानी को पूरी तरह सोख नहीं पाती और 60% पानी भाप बनकर उड़ जाता है। न्यू 3G एक्वा अपनी उन्नत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मिट्टी को सॉफ्ट करता है, जिससे पानी भाप बनकर नहीं उड़ता और पानी की बचत होती है। इसकी एक और विशेषता है जो इसे सस्ता और आसान बनाती है, वो है इसका इंस्टॉलेशन। इसे कोई भी सामान्य सा प्लम्बर भी आसानी से मात्र आधे घंटे के अंदर लगा सकता है। जहां एक और 3G एक्वा पीने के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतरीन है, वहीं यह हमारी त्वचा के लिए भी अच्छा है। ये ड्राइनेस, इचिंग, चैपिंग जैसी समस्याओं को दूर रखता है। पानी के सॉफ्ट होने की वजह से साबुन और शैम्पू की कम मात्रा भी कारगर साबित होती है और त्वचा और बालों को साफ और कोमल बनाता है। 3G एक्वा नेचुरल वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम को बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, अजीत टेस्टिंग लेबोरेटरी इंदौर, अनुसंधान एनालिटिक्स एंड बायोवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड इंदौर, चौकसी लेबोरेटरीज लिमिटेड इंदौर, इटा लैब प्राइवेट लिमिटेड मुंबई, बैंगलोर एनालिटिक्स रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, शी लेबोरेटरी बैंगलोर, ये कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जहां से 3G एक्वा प्रमाणित है।